नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इस लॉकडाउन को लगाया गया है। कोरोना की जो दूसरी लहर चल पड़ी है उसने आम लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया था। हर रोज़ संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। ऐसे में अब जब लॉकडाउन लगा दिया गया है तो लॉकडाउन में सख्ती के आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि जो पुलिस बल है वो सड़कों पर उतर कर सख्ती से इस लॉकडाउन को लागू करा सके। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं ड्रोन कैमरा की नज़र से फिलहाल जो बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वक्त हम आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि पटना में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर रोज़ 2,000, 2,500, 3,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं राजधानी पटना में, और कई जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें विभिन्न ज़िलों से लोग भी आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। ऐसे में हम आपको ड्रोन की नज़र से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने भी सभी ज़िलों को इस बार आंतरिक आदेश जारी किया है। पुलिस को शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी ध्यान देने को कहा गया है ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन हो सके। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से लेकर 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाया है। इसकी घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय भी हरकत में आ गया है। आपको हम बता दें कई जगह पर अगर हम देखें तो कार्रवाई की जा रही है। अगर हम पहले दिन की बातों को देखें तो पहले दिन का जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है 448 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं, वहीं 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं अगर हम बताएं तो 16,126 लोगों से लगभग 8,00,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया गया है, यानी कि कुल जो जुर्माना वसूल किया गया है उसकी राशि जो है वो 8,00,000 रुपए है। ऐसे में अब ड्रोन कैमरे की नज़र से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कैसे लॉकडाउन जो लगाया गया है, हम ये हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे फ्लाईओवर पर भी गाड़ियाँ काफ़ी कम चल रही हैं, शहरों में लोग नहीं निकल रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन पिछले साल जब कोरोना का आगाज़ हुआ था, कोरोना देश में प्रवेश कर गया था, कोरोना का जो संक्रमण है उसने लोगों को परेशान करना शुरू किया था, जान लेना शुरू कर दिया था। ऐसे में अब इस बार भी जब दूसरी लहर चल पड़ी है और दूसरी लहर जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसमें लोग अपने अपने घरों में भाप ले रहे हैं, कई लोग पैरासीटामोल की गोलियाँ खा रहे हैं, कई लोग बेकार के ही चिंतित हैं। अगर आप सचेत हैं, आप सतर्क हैं, आप मास्क लगा रहे हैं तो कोरोना के संक्रमण के चपेट में आप नहीं आइएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है क्योंकि सड़कों पर भी आप देखते होंगे, कल ही पटना के जो SSP हैं उपेंद्र शर्मा वो खुद पटना के सड़कों पर उतरे हुए थे, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह भी सड़कों पर दिख रहे थे और लगातार ये सड़कों पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है या नहीं। अगर हम राज्य के अन्य ज़िलों की बात करें तो सभी ज़िलों में जो जिलाधिकारी हैं, वहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, वो सभी सड़कों पर उतरकर खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि पुलिस मुख्यालय की ओर से जो आदेश जारी किया गया था वो कहीं ना कहीं देखें तो काफ़ी अहम था अपने मायनों में। और लॉकडाउन को अगर सख्ती से लागू कराया जाएगा तो उम्मीद है राज्य सरकार को कि जल्द से जल्द कोरोना के इस चेन को तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग, सरकार की ओर से नारा दिया गया है, ऐसे में उम्मीद है। हमने आपको तस्वीरें विभिन्न ज़िलों की दिखाई भी है, तस्वीरें हमने आपको ड्रोन कैमरे से दिखाया है कि कैसे लॉकडाउन के बाद राजधानी पटना का हाल है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सब्ज़ी की फल की दुकानें जो है वो खुली रहती हैं लेकिन 11 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ दवा दुकानें ही खुलती हैं या सरकारी और निजी अस्पताल। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।